आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतनी ठंड में, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग अपने अपने घरों से निकल के आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ पे वृद्धाश्रम का की शुरुआत हो रही है, उसका उद्घाटन हुआ आज। यहाँ पे 36 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है, उनके लिए सभी किस्म की सुविधाएं हैं ताकि वो बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा आसानी से काट सकें। उनके एंटरटेनमेंट के, खाने के, पीने के, रहने की सारी सुविधाएं हैं। आज से ये शुरू हुआ है। आज इसको शुरू करते हुए खुशी भी है और दुख भी है। अभी अंदर में कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग अभी आके रहने लगे हैं। अभी उन बुजुर्गों से मैं बात कर रहा था, एक अम्मा से बात की। मैंने कहा, अम्मा कितने बच्चे हैं? बोली, 2 बच्चे हैं, एक तो मर गया, दूसरा लड़का है। मैंने कहा, क्या करता है? बोली, पटरी पे अपनी काम करता है, पटरी पे उसकी वो है, छोटा सा दुकान है। तो मैंने कहा, उनके साथ क्यों नहीं रहती, यहाँ पे कोई किसी तरह की परेशानी? बोली, ना यहाँ तो इंतजाम बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बोले, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है। मैंने कहा, बताओ। कहती है, मेरे को अपने बेटे के पास जाना है, मैं अपने बेटे के पास रहना चाहती हूँ, बेटा रखना नहीं चाहता, बेटा बुढ़ापे में अपनी माँ को रखना नहीं चाहता। ये तो सही नहीं है ना। बुढ़ापे में, बोली, 3 साल से वो किसी और आश्रम में थी पहले हमारे, उस आश्रम में लोग ज्यादा हो गए थे, उस आश्रम से आज चूंकि नया आश्रम खुल गया यहां लेके आए हैं। बोली, 3 साल से मैं दूसरे आश्रम में थी, मेरी बस एक ही इच्छा, मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ, वो जैसे भी रखे, मेरे को अच्छा रखे, बुरा रखे, लेकिन मैं अपना बुढ़ापा अपने बेटे के घर में गुजारना चाहती हूँ। हमारे माँ बाप हमसे क्या मांगते हैं? हमारे माँ बाप बुढ़ापे के अंदर बस ये चाहते हैं कि बच्चों की शक्ल देख लें, रोज सुबह शाम उठ के बच्चों की शक्ल सामने हो जाए, यही तो चाहते हैं। अपने पोते पोती का, दोते का मुंह देख लें, शक्ल देख लें। किसी से भी पूछो उनकी क्या इच्छा होती है बुढ़ापे में, कि जी पोता पोती हो जाए, दोता हो जाए, जाने से पहले इसका ब्याह देख लूं, यही तो कहते हैं बुढ़ापे में, और क्या कहते हैं। अगर बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा खराब इंसान नहीं हो सकता, जैसे भी हमारे माँ बाप। जब हम पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप ने देखा था ये बच्चा मेरा अच्छा है कि बुरा है। हम कितनी शरारतें करते थे, कितनी बदमाशियां करते थे, लेकिन जैसा भी होता है बच्चा, माँ बाप उसकी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसा भी होता है बच्चा, शरारती होता है, शरीफ होता है, बदमाश होता है, गंदा होता है, माँ बाप अपना पेट काट के अच्छे से अच्छा उसको रोटी देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा उसको स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, उसकी सारी शरारतें बर्दाश्त करते हैं, सारी शिकायतें बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अपने साथ 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, ये समाज को क्या हो गया? तो दोस्तों, हम एक तरफ तो इस किस्म के वृद्धाश्रम खोलेंगे दिल्ली के अंदर, जो भी असहाय बुजुर्ग हैं। एक और अम्मा मिली, मैंने उनसे पूछा कितने बच्चे हैं, बोली मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा, पति, बोला मैं बहुत पहले विधवा हो गई, तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे लोग आए वृद्धाश्रम में रहें, लेकिन जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे भी अगर नहीं रखेंगे तो फिर तो समाज में अपने कमी आ गई। अगर बच्चे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे, सरकार जिम्मेदारी ले रही है, हम रखेंगे उनको, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा वृद्धाश्रम होंगे,
तो इसका मतलब समाज अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख रहा, वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूं, रोज शाम को जाके उनसे थोड़ा सा टाइम बिताता हूं मैं उनके साथ। पूरा दिन जो जो कुछ भी हुआ उनके साथ मैं उनको बताता हूं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है उनके साथ टाइम बिता के, कोई थकान नहीं बचती। और हर परिवार का मकसद होता है, सब चाहते हैं कि बरकत हो, तरक्की हो, परिवार पे किसी तरह की मुसीबत ना आए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करोगे, आपके घर में किसी तरह की मुसीबत आ ही नहीं सकती। आपकी तरक्की तरक्की होगी, आपकी बरकत ही बरकत होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे और उनको तंग करोगे, उनको घर से निकाल दोगे, भाई साहब जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, इस दुनिया को कोई ताकत आपकी बरकत नहीं कर सकती, आपकी कोई तरक्की नहीं कर सकती, इस दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। तो दोस्तों, एक तो मेरी आप सब लोगों से, हमें अपने समाज को फिर से, भारत के बारे में पूरी दुनिया में क्या फेमस है, अमेरिका में होता है ऐसा, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, माँ बाप बच्चों की नहीं देखते, बच्चे माँ बाप की नहीं देखते, सारे अपने अपने हो रहे हैं। अपने भारत में तो ऐसे नहीं होता था ना। और आज तो हम यहाँ गांव के अंदर बैठे हैं, गांव की तो परंपरा ही रही है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। तो एक तो वृद्धाश्रम खोलेंगे हम, पूरी दिल्ली में खोलेंगे। और मैं युवाओं से खास तौर से अपील करता हूं कि जब जब उनको समय मिले, टाइम मिले, ऐसे वृद्धाश्रम में आके थोड़ा समय बिताओ वृद्धों के साथ, बुजुर्गों के साथ। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक तरफ अपने को अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी है, और कभी कभी आके वृद्धाश्रम के अंदर थोड़ा सा समय भी बिताना है। इसके लिए अब चुनाव के बाद पूरी योजना बनाएंगे कि किस तरह से अपने युवा वृद्धाश्रम में आके बुजुर्गों के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, बचपन से हम लोग श्रवण कुमार की कहानी सुनते आए हैं कि किस तरह से श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने लेके गए थे। सुनिए सबने श्रवण कुमार की कहानी। आज दिल्ली सरकार ने भी अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए पूरे दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना बनाई है, जिसमें दिल्ली के सारे बुजुर्गों को जो जो जाना चाहे 12 जगह हम लेके जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, वैष्णो देवी, पुरी जी, रामेश्वरम, शिरडी, साईं शिरडी बाबा जी, और इस तरह की 12 जगह है जहां पे हम लोग बुजुर्गों को लेके जाते हैं। आना, खाना पीना, रहना जाना, आना जाना, एसी ट्रेन से जाते हैं, वहां पे अच्छे होटल में व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। तीर्थ यात्रा पे जाने का भी पुण्य है और तीर्थ यात्रा पे ले जाने का भी पुण्य है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएं, वहां पे जो भी उनकी, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो परिवार की स्थितियों की वजह से, फाइनेंशियल स्थिति की वजह से तीर्थ यात्रा पे कभी गए नहीं, उनकी इच्छा होती है कि एक तीर्थ यात्रा हो आए तो उनको लगता है कि धर्म का काम हो जाएगा। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हम लोगों ने ये योजना शुरू की है। मुझे बेहद खुशी है, अभी तक 40,000 बुजुर्ग इसका फायदा उठा चुके। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, और हर बुजुर्ग अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकता है, तो घर से एक कोई बेटा बहू कोई भी उसके साथ जा सकते हैं, उसका भी सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो इसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और वही समाज तरक्की करता है, वही देश तरक्की करता है जिसमें बुजुर्गों की सेवा होती है। यही अपनी संस्कृति भी है, यही भारत की संस्कृति है, यही हमारी हिंदुओं की।